अब हम आपको दिखाएंगे कि पेंटियम 4 प्रोसेसर में DDR2 रैम को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। ये हमारा पेंटियम 4 कंप्यूटर है और ये हमारे इसमें जो है सिंगल कोर प्रोसेसर लगा हुआ है और ये 865 मदरबोर्ड है। ये है हमारी DDR2 रैम 1 GB। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये रैम लगी हुई कैसे हटानी है। ये हमने ये लॉक हटाए, जैसे ये लॉक लग रहा है ये हमने इसको ऐसे हटाना, ये किया और ये रैम के लॉक दोनों तरफ से खुल गए हैं और इसको हमने आराम से निकालना है। ज़ोर ज़बरदस्ती करने से हमारी रैम को और इस मदरबोर्ड की पिंस को नुकसान पहुंच सकता है। ये बीच में कट लगा हुआ है DDR2 रैम में, DDR3 रैम में अलग कट होता है, DDR1 में अलग कट होगा, SD रैम में अलग होगा, ये हमें ध्यान से देखना होता है। और इसमें लिखा भी हुआ है कि ये DDR2 रैम है 1 GB PC2 रैम। तो ये डायनेट द्वारा मैन्युफैक्चर है और ये हम दोबारा ध्यान से लगाएंगे। ये जो है हमारा ये लॉक है, जिस प्रकार हमने रैम निकाली उसी प्रकार वापस लगानी है। पहले हमने ये कट को मिलाना है आपस में, ये आपस में मिलने चाहिए। अगर हम उल्टा लगाने की कोशिश करें तो एक तो रैम के इसमें नुकसान पहुँच सकता है और ये बीच में नहीं है, ये थोड़ा सा आगे है। देखो ये हम अगर उल्टा लगाना चाहें तो ये कभी नहीं लगेगा, या तो रैम को नुकसान पहुंचेगा या मदरबोर्ड को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हमें ध्यान से इस कट को मिलाना है आपस में, जैसे कि ये अपने लॉक में डाला और इधर किनारे में डाला और ऊपर से दोनों तरफ हाथ रख के प्रेस करना है जोर से लगा के, और ये तब तक प्रेस करना है कि यहाँ से लॉक आपस में मिल जाए। इसी प्रकार इधर से भी, जैसे यहाँ से रैम अभी इस लॉक में रैम अच्छी तरह नहीं घुसी तो ज़ोर से इस तरफ घुसाना है, और ये आवाज़ है तो इसका मतलब है रैम लग गई है। और उसके बाद हमें देखना है कि ये डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। अब हम ठीक है कंप्यूटर चला कर देखेंगे कि हमारा रैम लगी है कि नहीं, और ये हमने स्टार्ट का बटन दबा दिया और इधर हमारा CPU फैन चल गया और ये हमारी रैम डिटेक्ट हो गई है। हमारी जो है DDR2 800 MHz की है सिग्नल चैनल मोड की, इसका मतलब है हमारी रैम सक्सेसफुली डल गई है।